दूध पर राजनीति कौन कर रहा है। महाराष्ट्र में दाम बढ़ाने की मांग को लेकर दूध उत्पादक किसान आंदोलन पर हैं। मुंबई में दूध की सप्लाई रुकने का खतरा पैदा हो गया है। मुंबई में रोज लाखों लीटर दूध बाहर से आता है, ऐसे में पुलिस दूध की गाड़ियों को सुरक्षा दे रही है। मुंबई में सभी एंट्री पॉइंट्स पर भारी सुरक्षा व्यवस्था है। दूध की गाड़ी के साथ पुलिस की गाड़ी भी चल रही है। देखिए दहिसर टोल नाके से एबीपी न्यूज संवाददाता अक्षय भाटकर की रिपोर्ट। सारे महाराष्ट्र में फिलहाल दूध के कीमत बढ़ाने के लिए आंदोलन छेड़ा गया है और मुंबई का भी जो दूध सप्लाई है वो बंद करने का प्रयास शुरू है, लेकिन इसके खिलाफ मुंबई पुलिस अब हरकत में आई है और मुंबई के जो एंट्री पॉइंट्स है जैसे कि दहिसर टोल नाका है, जैसे कि मुलुंड टोल नाका है, वहां पर मुंबई पुलिस खुद खड़ी है और जितनी भी गाड़ियां दूध की मुंबई के अंदर आ रही है और उन सब गाड़ियों को मुंबई पुलिस जो है वो सुरक्षा यहाँ पर देती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि आप अभी देख सकते हो यहाँ पर हम दहिसर टोल नाका पर है और मुंबई पुलिस खुद इस सारी गाड़ियाँ जो है वो मुंबई के अंदर लेके जा रही है। इन सारी ट्रक के साथ मुंबई पुलिस की एक जो वैन रहती है वो इन सारे ट्रक के साथ जा रही है और उन्हें एस्कॉर्ट किया जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र में फिलहाल दूध की जो सप्लाई है वो बंद कर दी गई है। जैसे भी टैंकर दिखे, जैसे भी दूध की थैलियों की गाड़ी दिखे, उन्हें खाली कर दिया जा रहा है, लेकिन मुंबई का दूध का सप्लाई खंडित ना हो इसीलिए ये सब प्रयास मुंबई पुलिस यहाँ पर करती दिखाई दे रही है। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ अक्षय भाटकर, एबीपी न्यूज मुंबई। ये जो गाड़ी है क्या लेके जा रहे हो, कहाँ से आए हो, किधर जाओगे? साहब इसमें दूध लेके जा रहा हूँ, बिरार से आया हूँ, दहिसर लेके आ रहा हूँ दूध। अभी फिलहाल यानी 300 कैरेट यानी 250 कैरेट है, ऐसा कैरेट के सामने से लेके दूध का आंदोलन चालू है। तो कुछ कम है दूध या रोज आप लाते हो उतना ही दूध है? नहीं आज कम है दूध, कम है दूध। कितना कम है? कितना मेरा कम से कम यानी 40 कैरेट दूध कम है। तो आपको क्या लग रहा है ये आंदोलन का असर हो रहा है? असर तो सर हो रहा है, इसीलिए हम लोग लेट हो रहे हैं, नहीं तो 9 बजे 8 बजे मैं घर पे आ जाता हूँ। सर पुलिस कैसे सपोर्ट कर रही है? पुलिस ने क्या कहा? पुलिस है नहीं, अच्छा सपोर्ट कर रही है, बिरार से आ रही है, साथ में पुलिस आ रही है, कोई झगड़ा नहीं, कोई मगजमारी नहीं, कोई टेंशन नहीं। यहाँ दहिसर तक का अभी डिलीवरी के टाइम देखो क्या होता है। और देखिए दूध की गाड़ियों को सुरक्षा इसलिए भी देनी पड़ रही है क्योंकि कल कई तस्वीरें हमने देखी थी, दूध की गाड़ियों को बकायदा रोक करके गाड़ियों से दूध निकाल करके सड़कों पर बहा दिया गया। दूध किसानों के आंदोलन की अगुवाई राजू शेट्टी का स्वाभिमानी शेतकारी संगठन कर रहा है। दूध की कीमत बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि 1 लीटर दूध के उत्पादन में 30 रुपए खर्च आता है, सरकार ने प्रति लीटर 27 रुपए कीमत तय कर रखी है। दूध संघ दूध के फैट के हिसाब से 17 से 25 रुपए ही भुगतान करते हैं, 1 लीटर दूध पर किसानों को 10 रुपए नुकसान हो रहा है। किसान दूध के दाम प्रति लीटर 5 रुपए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सरकार दूध खरीदने वाले सहकारी और निजी संगठनों से 3 रुपए प्रति लीटर कीमत बढ़ाने की बात कह रही है। तो पूरा मामला आपने देखा कि आखिर किस तरह से इस मसले पर राजनीति भी हो रही है, किसानों की मांग भी है कि उनको नुकसान सहना पड़ रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये पूरा के पूरा मामला कैसे सुलझता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।